जय बद्री विशाल दोस्तों। तो आज है संडे 27 अगस्त और मैं जा रहा हूँ माँ कुंजापुरी के मंदिर में दर्शन करने, जो कि ऋषिकेश सिटी से 25 किलोमीटर्स आगे है टिहरी चंबा रोड पे। और मेरे पीछे आप अभी देख सकते हो जहाँ पे जो G20 समिट अभी रिसेंटली हुआ था, वो विलेज इसके पीछे जिसका नाम है ओणी विलेज। तो बहुत ही ज़्यादा इसको डेकोरेट किया गया था बिकॉज़ 20 कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे वो यहाँ पे समिट के लिए आए थे। तो बहुत ही सुंदर ये गांव है, टिहरी चंबा रोड पे ये गांव बहुत ही सुंदर गांव है। और यहाँ से इस हाईवे से ये 3 किलोमीटर दूर है। बहुत ही सुंदर इसका सेटअप बना रखा है। तो आज हम जा रहे हैं कुंजापुरी देवी, जो कि एक सिद्धपीठ है। तो आपको आगे अपडेट करते हैं। सो ये है फ्रेंड्स ओणी विलेज का रास्ता, जो जहाँ पे G20 समिट हुआ था। और यहाँ से वो 3 किलोमीटर है, ये मेन नेशनल हाईवे है जो टिहरी चंबा होते हुए गंगोत्री को जाता है। और ऋषिकेश से अप्रॉक्स 7 किलोमीटर आगे ये पॉइंट है जहाँ से इसका डाइवर्जन स्टार्ट होता है। बहुत ही सुंदर ये जगह है। सो फ्रेंड्स अभी 10 किलोमीटर राइट के बाद एक डाइवर्जन यहाँ पर आता है, जहाँ से आप देख सकते हो नरेंद्र नगर का रास्ता ये लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। और यहाँ से गंगोत्री 252 किलोमीटर्स और यमुनोत्री 237 किलोमीटर्स है, और जो चंबा है वो यहाँ से 47 किलोमीटर्स है। तो ये गंगोत्री, जो ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे है, वो ये है। और यहाँ से हमको जाना है नरेंद्र नगर। तो बहुत ही सुंदर ये रास्ता है, जैसे देहरादून से मसूरी का रास्ता है और हल्द्वानी से नैनीताल का है, सेम ऐसा ही ऋषिकेश से नरेंद्र नगर का रास्ता भी सेम है। बहुत सारा आपको डेंस फॉरेस्ट मिलेगा, बहुत ही बढ़िया व्यू यहाँ से दिखता है। सो अभी मैं पहुँच चुका हूँ नरेंद्र नगर में, जहाँ से बहुत ही बढ़िया ऋषिकेश और हरिद्वार का एरियल व्यू मिलता है। आज वेदर बहुत ही अच्छा है क्योंकि ना धूप है और ना ही बारिश हो रही है, तो वेदर बहुत ही अच्छा है नरेंद्र नगर में। और इस छोटे से टाउन की जो एलिवेशन है वो अप्रॉक्स 1000 मीटर्स है। और यहीं से आगे हम कुंजापुरी के लिए जाएंगे, और इसकी एक बहुत रिच हिस्ट्री रही है क्योंकि यहाँ पे जो 1919 में ये टाउन एग्जिस्टेंस में आया, जब यहाँ के जो किंग थे नरेंद्र शाह, उन्होंने यहाँ पे टिहरी से यहाँ पे कैपिटल शिफ्ट करी थी। क्योंकि ये जगह बहुत पिक्चर्स्क्यू है, बहुत ही क्वीन जगह है, बहुत ही शांत है। तो ये है नरेंद्र नगर, जो कि गेटवे है आनंदा, जो कि सबसे फेमस स्पा डेस्टिनेशन है पूरे इंडिया में। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी वेस्टिन है, आनंदा इन द हिमालयाज़ है, और जो कुंजापुरी सिद्धपीठ है वो भी यहीं पे है। तो फाइनली 20 किलोमीटर्स की बाइक राइड के बाद अब हम कुंजापुरी टेंपल के एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर का और रास्ता है और फिर हम होंगे कुंजापुरी टेंपल में। बहुत ही सीनिक यहाँ से व्यूज़ हैं हिमालयाज़ के, बिकॉज़ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ शिवालिक रेंज। तो आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छा अपने घर की याद आ रही है जोशी मठ की, बिकॉज़ ऑल्टीट्यूड तो थोड़ा सा कम है बट पिक्चर्स क्यों बहुत ही लोकेशन है। और बहुत ही बढ़िया कोहरा यहाँ पे लगा है और मौसम बहुत ही बढ़िया है। अभी यात्रा चल रही है, तो दिस इज़ दी गंगोत्री, ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे, और 4 किलोमीटर बाद हम होंगे कुंजापुरी टेंपल। सो अब हम कुंजापुरी टेंपल से केवल 1 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट मुझे अभी दिख रहा है। आज जो रोड है डाइवर्जन से, वो जो पैच है 4 किलोमीटर का, बहुत ही अब शांत रास्ता है, बहुत ही अच्छा रास्ता है। बट थोड़ा सा पतला ज़रूर है वो रास्ता, 4 व्हीलर्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 2 व्हीलर्स के लिए बहुत ही बढ़िया रास्ता है। और ये इस जगह पे इतनी पीसफुल ये जगह है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे जो है, यू नो, कि यहाँ पे जो भी मेडिटेशन के लिए आता है, योगा के लिए आता है, ऐसी जगह पे आना चाहिए जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम हो। यहाँ पे आपको कोई भी आवाज़ जो है
नहीं सुनाई देगी, तो ये सच में ये शांति होती है अगर आपको, इफ़ यू वॉन्ट टू सीक पीस इन द हिमालया, सो दीज आर द काइंड ऑफ हिल स्टेशन यू शुड लुक फॉर। और बहुत ही बढ़िया जगह कुंजापुरी टेम्पल, आपको ज़रूर आना चाहिए एक बार इफ़ यू आर विजिटिंग ऋषिकेश और देहरादून। इट इज़ जस्ट 25 किलोमीटर्स ड्राइव फ्रॉम ऋषिकेश, तो आप लोग ज़रूर आइए कुंजापुरी, और आप लोग सुन सकते हैं कि कितना शांत जो है चारों तरफ मेरे है एटमॉस्फेयर। तो अब मैं बस पहुंचने वाला हूं और आपको आगे का आप मंदिर के दर्शन करवाता हूं। वाओ, दिस इज़ रियली सीनिक, रियली पिक्चर्स क्यू। आपको किसी की भी आवाज़ यहां पे नहीं सुनाई देगी एक्सेप्ट दी नेचुरल साउंड्स। कुंजापुरी टेंपल पहुंच चुके हैं, बहुत ही अच्छा आज वेदर है, यहाँ से पूरे गढ़वाल हिमालयस का आपको पैनोरमिक व्यू मिलता है। बट आज थोड़ा सा बिकॉज दिस इज़ अ मंथ ऑफ अगस्त, तो अभी आपको गढ़वाल हिमालयस नहीं यहाँ से दिखेगा, बट जो कुछ भी यहाँ से पैनोरमा दिख रहा है बहुत ही सुंदर है। और नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है ऋषिकेश का, और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट नियरेस्ट है अप्रॉक्स 40 किलोमीटर यहाँ से। सो वी आर एंटरिंग कुंजापुरी टेम्पल नाउ। सो अभी हूँ मैं माता के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ कुंजापुरी में, जहाँ पे कि माता सती के वक्ष का यानी कि चेस्ट का पार्ट गिरा था। उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में दो और शक्तिपीठ हैं, एक है सुरकंडा देवी जो कि धनौल्टी के पास में है, और एक है माँ चंद्रबदनी। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे ये तीनों शक्तिपीठ लोकेटेड हैं, यहाँ से पूरे मतलब बहुत ही बिकॉज़ इनका एल्टीट्यूड अप्रॉक्स, इसका ऑल्टीट्यूड अप्रॉक्स 1600 मीटर है, तो यहाँ पर अभी काफ़ी ठंडा हो रहा है कंपेरेटिवली ऋषिकेश या देहरादून के। और ज़्यादातर यहाँ पे मतलब जो फॉरेस्ट है बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट है, और गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पे ये लोकेटेड है, जो है यहाँ से आप गंगोत्री जा सकते हैं यमुनोत्री जा सकते हैं। और जब भी आप ऋषिकेश विज़िट करते हैं तो अपनी आइटनरी में कुंजापुरी टेंपल को ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि यहाँ आने से आपको एक पीसफुल जो है इन्वायरमेंट मिलता है, यहाँ पर आप मेडिटेशन करते हैं कर सकते हैं, दिस इज़ अ ऑप्शन फॉर यू फॉर योर पीस। तो आज का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, ऋषिकेश से जो बाइक राइड रही वो 1 घंटे की रही, उसके बाद अप्रॉक्स 10 मिनट्स का आपका ट्रैक शॉर्ट ट्रैक है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती है और आप पहुँचते हो कुंजापुरी देवी के टेम्पल में। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ऋषिकेश या उत्तराखंड में ट्रैकिंग से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, आप होटल्स बुक करना चाहते हो, आप अपना टूर प्लान करना चाहते हो, तो आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू टू हेल्प यू टू गाइड यू। और आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें लिंक में है, और आई विल अरेंज योर आइटनरी, आई विल अरेंज योर ट्रिप इन उत्तराखंड। सो आप लोग आइए, बारिश ख़त्म हो रही है, उत्तराखंड आइए, चार धाम यात्रा करिए, वैली ऑफ फ्लावर्स जाइए, गंगोत्री गौमुख नेशनल पार्क का ट्रैक करिए, यू आर वेलकम टू द उत्तराखंड। बारिश ख़त्म हो रही है, पोस्ट मॉनसून का बहुत ही अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग उत्तराखंड विजिट करिए। थैंक यू सो मच। जय बद्री केदार। जय बद्री विशाल दोस्तों, तो ये है माँ कुंजापुरी का मंदिर, जो कि भारत में 52 शक्तिपीठ में से एक है, और टिहरी ज़िले में 3 शक्तिपीठ हैं। यहाँ पर माता सती के जो चेस्ट का पार्ट है वो यहाँ पे गिरा था। बहुत ही अच्छी लोकेशन पे ये टेंपल है, यहाँ से आपको पूरे गढ़वाल हिमालयस का पैनोरमिक व्यू मिलता है। बट आजकल मॉनसून की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा फॉग है, और इसका ऑल्टीट्यूड अप्रॉक्स 1600 मीटर है। बहुत ही सुंदर लोकेशन पे ये टेंपल लोकेटेड है, और ऋषिकेश से अप्रॉक्स 25 किलोमीटर्स की ड्राइव है।
जो आपको कुंजापुरी टेम्पल तक लेके आती है। बहुत ही सुंदर लोकेशन पे ये टेम्पल लोकेटेड है, आप देख सकते हो। यहाँ से पूरे गढ़वाल हिमालयस का, गंगोत्री रेंज का पैनोरमिक व्यू मिलता है, बट अभी पूरा कोहरा लगा है बिकॉज़ दिस इज़ 27th of August। तो मैं लास्ट टाइम यहाँ पे 2019 में आया था 1st Jan को, मुझे अभी भी याद है। जो तपोवन से रास्ता आता है वहाँ से हम आए थे, उस टाइम तो वेदर काफ़ी ओपन था, बट आज यहाँ पे भी मॉनसून का टाइम है तो वेदर काफ़ी बंद है, लेकिन बहुत ही अच्छा ये सिद्धपीठ है, आप लोग ज़रूर आइए और माँ कुंजापुरी का आशीर्वाद लीजिए। थैंक यू।